Hi, Mahika. Hi. Hi, Mahika. Hi. Hi, Sanu. Hello. Hi, husband. Hello, hello, Tapo. Hello. Hello. जीजू इज नॉट इंटरेस्टेड नहीं इंटरेस्टेड है वो जीजू इज वेरी इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग टुडे नहीं नहीं वो थोड़ा फोकस्ड है वो आधा देखेला मोर पूरा देखो नहीं रे 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 अच्छा अच्छा कोई नहीं देखेगा तुमको तुमने बिक चुके हो अभी बिक चुके और हम लोग जा रहे हैं चेन्नई से रामेश्वरम कैसे वाया वाया होके जाएंगे आज हम लोग जाएंगे पहले चेन्नई से तिरुची त्रिची चेन्नई से जा रहे हैं त्रिची एंड आज वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे कैसे क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता दो मैं गई हूँ पहले बट टिकट बुक कर बहुत पहले हाँ कैसा होटल सब कुछ ऑनलाइन तुरंत तुरंत ना ये दो दिन में ये सारा कुछ हमारा प्लान हुआ और इसको देखो टिकट का होटल चलते हैं इसको थोड़ी देर बाद ये सो जाएगा फिर मैं बात करती हूँ ये देखो पिंपल कहीं जाने से पहले ये पहले आ जाते हैं पिंपल्स एज यूजल जैसे होता है एक टाइम प्लान करो घर से निकलने का एंड निकलते निकलते लेट हो ही जाता है चार बजे था कि चार बजे निकल ही जाएंगे क्योंकि पता नहीं ट्रैफिक कितना मिलेगी एंड हमारे लिए थोड़ा सा मतलब लास्ट में ना गड़बड़ ये हो गया कि ये टाइम पे हमें निकलना ही नहीं था या तो हम एक घंटा पहले निकल जाते तीन चार बजे तक या तो फिर लेट ही निकल लेते क्योंकि चेन्नई से बाहर जाते जाते ना सिटी से बाहर जाते जाते हमको डेढ़ दो घंटा लग गए थे उस दिन और मैं तो मस्त से सो ही गई थी यार नज़ारा बढ़िया था मौसम भी अच्छा लग रहा था सिटी से बाहर थोड़ा सा अच्छा लगता है व्यू सिटी के अंदर तो सिर्फ बिल्डिंग बिल्डिंग ही नज़र आती है आजकल और यहाँ पे ना मैंने एक कोट लगा लिया था ये दीता का लिपस्टिक है मैंने ट्राई कर रही थी फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई करा वो मुझे फ़ोन पे एक्चुअली जिस दिन ख़रीदा ना उसने मुझे बताया था कि दीदी बढ़िया है आप ट्राई ज़रूर करना एंड मुझे था कि न्यूट कलर मेरे पे नहीं अच्छे लगते रहता रहने दे मैंने डार्क कलर यूज़ करूँगी बट मैंने इसको ट्राई करा यार ट्रस्ट मी मैं आपको ना इसके लिए लगा के दिखा रही हूँ कि इसका एप्लीकेशन तो ये देख लिया कब तक ये मेरे लिप्स पे आपको टिकेगा ना ये वीडियो देखते देखते आपको बाद में पता चलेगा बस मैंने ये एक दो बार अप्लाई करा एक मतलब एक ही टाइम पे ना अच्छे से अप्लाई करा दो कोट और एकदम जैसे मैट लिप्स शेड्स होते हैं एकदम मतलब पूरा जैसे फट जाते लिप्स पे ऐसा कुछ भी नहीं था बहुत ही हाइड्रेटिंग था अदरवाइज नॉर्मली मैं मैट लिक्विड लिपस्टिक किसी के लिए लगाती भी नहीं हूँ और क्या उसके बाद मस्त दो घंटा गाड़ी में सो गई जब गाड़ी रुका ना कार मुझे लगा कि आधे रास्ते तो पहुंच ही चुके होंगे हम लोग अभी 6:30 दो घंटे से हम लोग चेन्नई से आते आते हो गया ना चेन्नई से बाहर आते आते हमको दो घंटा हो गया यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह दिख रहा है देखो मुझे लगा ये जैसे ही गाड़ी रखे है मुझे लगा हम लोग ऑलमोस्ट तिरुची तक तो पहुंच ही चुके हैं रीता चाय सिटी से निकलते मतलब चेन्नई से निकलते ही हाईवे जैसे स्टार्ट ही हो रहा था उससे पहले एक ढाबा था ये इतना बढ़िया इलायची डाल के अदरक वाली नहीं थी उनके पास इलायची डाल के चाय बनाई थी माँ प्रे बोलो मत एकदम नींद तो उड़ी गया उसके बाद तो मैं सोई नहीं पहले एक दो डेढ़ दो घंटे तो मतलब ऐसे आउट हो गई थी मैं पूरा जाने से पहले का जितना थकान था ना वो पूरा कार में मोश भी सो गया मैं भी सो गई थी उसके बाद से फिर और नहीं सोई थी और उसके बाद दो घंटे पूरा प्रॉपर ड्राइव करने के बाद डिनर के लिए फिर हम लोग यहीं पर रुके थे बढ़िया था यार तो मैं फोटो नहीं वीडियो ले रही हूँ मम्मी मको इड़किए रे इड़किए रे मको किए मको से मामी ये जब पट 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 होता है ना ऐसा लग रहा है सुपारी खा रही है रीता नो वे आ
आप में से बहुत सारे लोगों का एक सवाल था इंस्टाग्राम पे, जैसे मैंने फोटोज़ वगैरह पोस्ट करके हम लोग निकल रहे कि मोना ट्रैवल के टाइम मोक्ष को कैसे एंगेज करके रखते हो। देखो ये सारा क्लिप्स तो ट्रैवल का तो मैं उतना ज़्यादा कार के अंदर रिकॉर्ड करना नहीं हो पाया मोक्ष के साथ, लेकिन मैंने कैसे एंगेज करा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बुक्स मैंने आपके साथ शेयर करे हुए थे पिछले व्लॉग्स में कि मैं उसको पढ़ाती हूँ, देखती कि देख के वो आइडेंटिफाई कर लेता है क्या कौन सा है। तो इसको मैंने दो चार इसमें से जो उसके फेवरेट है उसको आइडेंटिफाई करने में ईजी रहते हैं, और जो उसको नहीं पता है जैसे वो सारा कुछ चार पांच करके मैं उसको ले गई थी इसमें से। ये माय फर्स्ट मिनी लाइब्रेरी, एक 12 बुक का सेट आता है। ट्रस्ट मी, अगर आपका बच्चा टॉडलर है या तो फिर प्री स्कूल में भी है, ये उसको बहुत हेल्प करने वाला है। तो टॉडलर है इसे ना 2 साल से लेकर मुझे लगता है स्टैंडर्ड 1 तक बच्चों के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। और इसमें सारे है अल्फाबेट अगर बच्चे सीखते ना उस टाइम काम आएगा, पेट्स एनिमल एंड ये अबाउट मी भी मैं लेके गई थी। जैसे बच्चे इस एज में आइडेंटिफाई करते हैं ना बॉडी पार्ट्स भी, उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया से काम करता है। और पीपल एट वर्क जो है वो भी मैं बुक लेकर गई थी और मैं उसको दिखा रही थी, जब ट्रैफिक पुलिस वगैरह नहीं होते मैं उसको बताती थी देखो मोक्ष देख ट्रैफिक पुलिस है, फिर वो ना अपने लैंग्वेज में प्रॉपरली नहीं भी बोल पाए तो भी अपने लैंग्वेज में तो पहचानता ही होता था। तो ऐसे ही हम लोग ना अगर ट्रैवल करते टाइम कुछ ना कुछ उनकी फेवरेट चीज़ें या फिर ऐसे कुछ भी, आपको उनके साथ एंगेज तो होना ही पड़ेगा, बिना एंगेज के तो बच्चे चुप बैठने नहीं वाले, क्योंकि बहुत 8-9-10 घंटे की जर्नी हो गई थी एट ए स्ट्रेच हम लोगों की। और अगर थोड़े से बड़े बच्चे हैं ना तो उनके लिए भी मैं आपके साथ ऑप्शन शेयर कर लेती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ना ऐसे जैसे नंबर सीखते हैं, जैसे अभी प्री स्कूल में बच्चे बहुत लोगों ने ज्वाइन करा होगा एल प्री के जी एल के जी वगैरह में, तो उनके लिए बहुत अच्छा है इसमें नंबर्स वगैरह वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ये है अपर केस ट्रेनिंग ट्रेसिंग है, ये वोकैबुलरी बुक है, और इसमें भी बच्चे जैसे पिक्चर्स देखे तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं। उसके बावजूद यहाँ पे लेटर्स वगैरह को जैसे डॉट डॉट करके दिया गया है उसमें ट्रेस करके बच्चों की जैसे राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं धीरे धीरे, फिर डॉट्स को लेकर जैसे स्ट्रेट लाइन बनाते हैं स्लैंटिंग लाइन बनाते हैं ना वो सारा कुछ यहाँ पे। एंड उसके साथ साथ इस बुक में अच्छा ये लगा कि वाई है, मतलब वाई से जितने भी वर्ड्स बनेंगे ना वो सारे यहाँ पे है, जैसे स्टैंडर्ड 1 के बच्चे तक है होते हैं जैसे ए बी सी डी लिखना स्टार्ट करते हैं ना उनके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये भी सेम उसी तरह की एक और बुक है, इसमें आपको 2-3 स्ट्रेट लाइन डॉट डॉट होते हैं ना स्ट्रेट लाइन को फिर कर्ब्स को ज्वाइन करने का इस तरीके के जैसे स्कूल में सिखाते हैं इस तरीके का आप घर पे भी बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हो। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी बुक्स चाहिए तो इनका लिंक्स मैं दे दूंगी, ये ओसवाल बुक्स की तरफ से है और बहुत ही बढ़िया रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। लिंक के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। ये सिस्टम है ऑलमोस्ट जितने ढाबे में जितने भी होटल्स थे ना बीच में रास्ते में पड़ रहे थे इसमें मैंने देखा है बहुत सारे में क्या है एक बहुत ही जैसे सब कुछ यहाँ पे एक तो मिल रहा था, ऊपर से उन्होंने बच्चों का अट्रैक्ट करने के लिए खिलौने फिर हमारे लिए भी होम डेकोर के लिए भी ना बहुत सारे सामान रखा हुआ था उन्होंने। हम लोगों को अगर रिटर्न अभी जाता ना तो मैं घर के लिए बहुत चीज़ें लेकर जाती, प्राइस भी ठीक ठाक ही था। चलो कोई नहीं, मुझे ऐसा होता है कि कोई जगह पे जाओ ना चलो कितना भी प्राइस हो एक तो कुछ भी एक चीज़ ऐसे वहाँ से लेकर आना ही चाहिए एज अ मेमोरी। मैं हमेशा वैसे ही करती हूँ कि जहाँ पे भी जाती हूँ चाहे वो 100 का 200 भी बोले किन का मतलब बिल्कुल कम भी मत करे, लेकिन मेरा होता है कि मैं एक ले ही आती हूँ, ठीक है घर पे रहेगा एक मेमोरी याद तो रहेगी कि वहाँ पे गए थे। तो यहाँ पे ना खिलौने तो बच्चों के लिए नहीं लिए मैंने क्योंकि वो खेलते नहीं है बिल्कुल, माँ ही का ने अपने थोड़े बहुत एज यूजल उसने मम्मा इरेजर लो पेंसिल लो कुछ वहाँ पे पेन वाले इरेजर बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मिल रहे थे तो उसने एक दो चूज़ करा था वहाँ पे। एंड उसको कुछ एक पेंसिल चाहिए थे जो कि वो अपने किसी एक फ्रेंड से देख कर आई थी, ऐसा होता है ना बच्चे स्कूल जाते हैं किसी का देखते हैं तो उनको मन कर लेता है, बहुत पहले उसने बोला था मैंने उसको अभी तक दिलवाया नहीं था, यहाँ पे मुझे दिखा वो खुद ला के बोलते मम्मा प्लीज़ दिला दो, मैंने बोला ठीक है अभी ले ले। यहाँ पे ये क्लचेस वगैरह थे इसको तो मैंने देखा नहीं कि ठीक है ये सारा, लेकिन अलग अलग चीज़ें बड़े थे यार बहुत छोटे छोटे यहाँ पे क्लॉक्स वगैरह थे, ये छोटू सा क्लॉक मुझे ये लेने का बहुत मन था लेकिन ये 400 का था, इतना तो मैं स्पेंड नहीं करने वाली थी इतने छोटे के लिए। अभी पता नहीं मार्केट में कितना मिलता है बाहर या फिर ऑनलाइन कितना मिलता है मुझे आइडिया नहीं है, तो और वहाँ पे और नेट भी नहीं आ रहा था कि मैं देख सकूँ, मैं सोच रही थी कि अमेज़ॉन वगैरह में देखती हूँ या फिर मीशो में देखती हूँ पता नहीं क्या ही होगा। गणेश जी बहुत सुंदर सुंदर से थे यहाँ पे स्टोन्स लगे हुए सब कुछ ना, हमारा प्लान ऐसा हो गया था कि आते टाइम देख लेंगे इसी रोड पर तो जाएंगे लेकर क्यों जाना। फिर यहाँ पे ये था कि कार में लगाने का, इसके लिए भी यही हो गया कि
अभी रख देते हैं, आते टाइम देख लेंगे, लेते जा घर जाते टाइम। सिर्फ मैंने माहिका के लिए कुछ लिया था। गणेश जी तो बहुत क्यूट थे यार। और ये मैं दिखा रही थी महेंद्र को कि देखो देखो कार में लगाना है क्या, लेना है क्या आपको। एंड मोक्स तो बहुत एक्साइटेड था यार, उसको पता नहीं क्या ही लग रहा था। अच्छी बात है कि वो पूरे ट्रैवल में ना बीच में, अभी देखो यार 9-10 घंटा एक एट ए स्ट्रेच कार में बैठना थोड़ा तो चिड़चिड़ा करेगा ही, अदरवाइज तो हंसी खुशी कट गया था सफ़र। ये ना 180 में मिल रहा था, एकदम छोटू सा मुझे लेने का बड़ा मन कर रहा था। इसमें ब्लू था, फिर ग्रीन कलर में एक था, फिर एक छोटा सा पिंक कलर में था। मैंने माइका को बोल रही थी पिंक कलर का लेना है क्या माइका, इसको भी मैंने बोला कि चलो पहले डिनर ना करके आ जाते हैं, फिर बिलिंग जब करेंगे उस टाइम पे इसको भी ले लेंगे। फिर ये भी सारे क्यूट क्यूट वहाँ पे क्लॉक्स थे छोटे छोटे। ये ना ये रोड मैं कितने कब से बोल रही हूँ कि इस होटल में रखो, रख नहीं रहते, लास्ट में यहाँ पर रख के बोल रहे। मुझे पता था, कुछ नहीं पता था इनको। मोक्ष ना इतना रोता नहीं है कि टॉयस वगैरह देख के खरीदो खरीदो, पता नहीं उसका कभी कभार मूड कर जाता है ना, एक बार ऐसा कभी करा होगा पूरे ट्रिप में। अदरवाइज उसको अभी आई थिंक इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मैंने उसके लिए सबसे कम माहिके के लिए मैंने इतना ज़्यादा खिलौने खरीदे हैं बचपन में, उससे मतलब कम से कम मोक्ष के लिए गिन के अभी तक मैंने 4-5 लिए होंगे बस, उतना और ज़्यादा नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि बस से बच्चे ना इस एज में खेलते ही नहीं है, तो मैं मोक्ष के लिए नॉर्मली उतना ज़्यादा लेती भी नहीं, खरीदती भी नहीं हूँ अभी। और यहाँ पे क्यूट सा फ़ैन भी था, ये सारा मेरा था कि ये सब देख के जाते हैं अभी, वहाँ पे खाना खाते हैं, फिर आराम से आके इसको बिल करके लेके जाते हैं। एंड आगे आपको बताती हूँ क्या हो रहा है। माहिका तो मानने वाली नहीं है, उसको जो चाहिए था उसने अपने हाथ में पकड़ के वो खाने के ले गई, बोलती कि नहीं नहीं आप बिलिंग बाद में करा लेना, मैं इसको पकड़ के ही जाती हूँ। ये भी एक क्यूट सा था, ये सारे होम डेकोर के थे, इसमें जूस वगैरह तो नहीं होगा, होम डेकोर ऐसे सजाने के लिए था। तो फिर हम लोग आ गए साउथ इंडिया में ना, आप कहीं पे भी जाओगे होटल में खाने के लिए, या तो प्लेट के ऊपर आपको ऐसे केले के पत्ते भी देंगे, या तो फिर ऐसे टेबल के ऊपर रख के देंगे खाने के लिए। मेरे लिप्स पर रह रहा है मतलब आई शुड गेट इट। ये रीता के देखिए, ये रीता का लिप शेड है और इतना बढ़िया है यार इसका, और मेरे लिप्स पे लिपस्टिक टिका है मतलब बहुत अच्छी। ये लैक्मे का है, मैं दिखाती हूँ। अभी देखो आप में से जैसे बिहार से, फिर दिल्ली से, बहुत सारे जगहों से ना रामेश्वरम तीर्थ यात्रा करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, या तो फिर आपके घर में भी बहुत सारे लोग आते ही होंगे। ये ब्लॉग अगर आपको देखोगे ना, आपको थोड़े बहुत आइडिया तो मिल ही जाएगा अगर आप फर्स्ट टाइम आते हो। सबसे पहला कोई भी इन साउथ इंडियन में जाओगे खाने के लिए, स्पेशली अगर आपके पास बच्चे हैं छोटे, अगर उनको इडली खाने की आदत है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छी आपको गर्मा गर्म इडली मिल जाएगी, बहुत सॉफ्ट होती है। और सांभर वगैरह भी अगर किसी अच्छे होटल में जाओगे ना, इतना ज़्यादा वो लोग स्पाइसी नहीं बनाएंगे। चावल भी अगर आप कोई भी होटल में जाते हो, थोड़े से अच्छे होटल में जाओगे, नॉर्मल डिसेंट होटल में जाओगे, बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं, वहाँ पे अगर बोलोगे कि थोड़ा सा स्टीम राइस चाहिए बेबी के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा स्टीम कर लो, तो वो दोबारा से आपको बना के भी दे देंगे। दाल यहाँ पे आपको अच्छा नहीं मिलेगा, दाल चावल जैसे बच्चे हमारे यहाँ पे खाते वैसे दाल तो नहीं मिलेगा। रसम मिल जाएगा, वो भी बोलोगे कि स्पाइस कम करके बना के दो, तो वो लोग बिल्कुल बच्चों के हिसाब से स्पाइस कम करके बनाएंगे। तो वो तो लंच के लिए है दाल चावल वगैरह, लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए इडली वगैरह रोटी वगैरह भी मिलेगा, बट रोटी वगैरह यहाँ पे उतना अच्छे से बच्चे नहीं खा पाएंगे, इतना सॉफ्ट नहीं बनता है, तो आप लोग ऐसे डोसा इडली ही ट्राई कर सकते हो। ये लिपस्टिक देखो यार, मु खाइला पोरे भी अच्छी मु किणी भी मेरा है, मेरा नॉर्मली रहता नहीं है, दही लगने से चला गया। नहीं मो पोटर के बेरो है नहीं, देखो अच्छी इडली सांभर का है, मेरा पहले ही चला गया था क्योंकि तब से क्या लिपस्टिक है यार ये दीदी, प्रॉपरली लगाई थी मैं, तो बस लाइट लगाई थी मैं, बढ़िया। मैं तो अभी पूरे ट्रिप में यही लगाऊंगी। फिर यहाँ पे एक और कॉर्नर था, वहाँ पे गए एंड यहाँ से ना रीता को जो अदरक लहसुन कूटते हैं ना, उसको वो चाहिए था। एंड उसके अभी था कि नहीं दीदी रहने तो चाहिए, लेकिन आते टाइम ले लेंगे, ये हम दोनों का आते टाइम ले लेंगे, मैं ना आधे से ज़्यादा सामान तो हमने लिया ही नहीं। यही गलती आपको नहीं करना, जब जो सामान चाहिए ना तब वो सामान ले ही लेना है आपको। एंड एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ, बचपन में हमने ये इसको बड़ा यूज़ करा है, अभी थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन में आ रहा है, बताओ कितनों को याद है। इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाओगे ना, इसके अंदर जैसे कैमरा है, आपको पता चलेगा। वेट मैं कहाँ पे फोकस कर रही हूँ मुझे नहीं पता। अच्छा ये देखो, इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे तो कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट आता है ना, कितनों को याद है इसके बारे में बताओ। अभी इसके बाद और बिना माइका वेट कर, ऐसे ये ना क्लीन पर दिंगला इन द साइड हां सर क्या हुआ जीरे मां
फाइनली खाना हो गया बच्चों का। ये सबसे बड़ी टेंशन होता है यार, सबसे ज़्यादा कभी ट्रिप करो ना, बच्चों को अगर टाइम से आपने खिला दिया उनको पसंद वाला चीज़ तो वो पूरे ट्रिप में शांत रहेंगे, क्योंकि भूखे पेट हमको ही चिड़चिड़ हो जाते हैं तो छोटे बच्चे तो और ज़्यादा चिड़चिड़ करने लगेंगे। मैंने सबको वहाँ पर मायका को सबको बोला वॉशरूम जाओ, रोड पर नहीं मिलेगा। एंड महेंद्र भी बोल रहे थे अभी तो सीधा हम लोग त्रिची में ही गाड़ी रुकने वाला है अभी तो। फिर मायका सो गई थी बीच में, मोक्ष तो सो ही गया था जाते टाइम, मोक्ष भी सो गया था क्योंकि उस दिन मैंने सुबह से मोक्ष को सुलाया नहीं था जानबूझ के कि वो सो जाए गाड़ी में। अभी हमारा अराइवल टाइम 12:48 दिखा रहा था एंड पहुँचते ना 1:15 तो हो ही गया था वहाँ पे। और मैं तो बोल रही थी यार रास्ता बहुत अंधेरा होगा पता नहीं कैसा, फिर बाद में देखा तो इतना ज़्यादा उतने 2 बजे भी इतना ट्रैफिक था ना क्या ही बताओ। और फाइनली हम लोग आके पहुँच गए थे, ये है हमारा रूम्स, हमने होम स्टे पे रुके थे एंड इसका पूरा डिटेल आपको रूम टूर में करवाती हूँ। एंड मुझे यकीन नहीं था कि इतना अच्छा होम स्टे मिल जाएगा, इसका प्राइस सच में बहुत अफोर्डेबल है, बहुत कम है। अगर कोई जा रहे हो ना तो मेरे साथ जरूर कांटेक्ट करना। अभी हम लोग कितने बजे पहुंचे हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 1:30, हम लोग आके पहुंचे हैं। और त्रिची में हम लोग रह रहे हैं होम स्टे में। सो अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप भी आके होम स्टे में रह सकते हो, कमीशन मुझे दे देना। मैं आपको दिखाती हूँ होम स्टे कैसा है। एक बार मैं रूम टूर करती हूँ गंदा होने से पहले, रुक जाओ। सोनू कैमती लग रहा रे, कैसे लगा सोनू? हम लोग निकले थे 5 बजे, अभी पहुंचे हैं 1:30, कैसे लग रहा है सोनू? अच्छा लग रहा है, रोड ट्रिप्स में थोड़ा बहुत डिले होता है। तमो कैमती लग छी बेचारे मंदिर आए चला चला के, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, मेरे को ड्राइव करना अच्छा लगा। हाँ, ड्राइव करना अच्छा लगा। तुमको कैसा लगा रीत? नो कमेंट्स। मैं दिखाती हूँ आपको, ये है सबसे पहले तो वॉशरूम फाइंड आउट कर रहे, ठीक है? वॉशरूम बहुत बढ़िया है, मैं ये बेसिन यहाँ पे खाली डस्टबिन और बहुत बड़ा सा, मैं होम स्टे सुनी थी पहली बार मैंने देखा ये इतना बड़ा सा हॉल, आपको बढ़िया सोफा टीवी और यहाँ पे टाइम देखो यार, कल सुबह हमें 5 बजे निकलना है। एक और रूम बेडरूम, अच्छा ये लोग घर को 2 BHK घर को ये लोग होम स्टे बना दे रहे हैं ना, बढ़िया यार पैसा कमाने के लिए। और यहाँ पे ये क्या है, कौन है टाइम थी? अच्छा ये देखो पूरा, कौन है? सनसेट थोड़ा करूँ लाइक जापान। अच्छा ये ऊपर से नीचे तक जाने के लिए देखो धूप के लिए इन्होंने बनाया हुआ है, मतलब अच्छा वेंटिलेशन नहीं होगा यहाँ पे, वेंटिलेशन ही नहीं है किसका, इसका इनके विंडो को उनका दीवार, उनके विंडो को उनका दीवार, इसी के लिए लाइट जाने के लिए। ओके नाइस। और यहाँ पे है गैस है, आप खाना बना सकते हो, सारा मसाला वसाला भी है, स्पाइसेस वगैरह, फ्रिज है, फ्रिज में क्या देखते हैं, फ्रिज कुछ नहीं है, खाली है एकदम। और इसमें एक ग्राइंडर भी है यहाँ पे, और इसमें क्या है, कुछ कुछ मसाला लाइट लगे ना, नहीं चॉपिंग बोर्ड, हाँ एक चॉप, कितना साफ सुथरा करके रखा हुआ है, बर्तन वगैरह भी सब कुछ है, कुकर कढ़ाई प्लेट्स वगैरह, वाह नमक भी है, चीनी है, मसाले है। अच्छा अगर आप हाँ आरओ भी आपको दिया गया है। ओके अगर आप आ रहे हो सो आप लोग ऐसे होम स्टे में रह सकते हो, बहुत कम प्राइस ना, बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। होटल वगैरह मेरे को नहीं पता यहाँ का रेट्स क्या है, बट ऐसे में आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। ना यहाँ पे ना दूसरे रूम में मायका को मैंने सुला दिया था पहले आते ही कि सो जा जल्दी, नहीं तो फिर क्या ना सुबह उठने, क्योंकि 5 बजे हमको मंदिर जाने का प्लान था। मंदिर से हमने 100 मीटर या फिर 1 किलोमीटर मुझे याद नहीं आ रहा, उतने बहुत ही कम डिस्टेंस में हम लोग, वॉकेबल डिस्टेंस में ही हम लोग थे कि आप चाहो तो पैदल भी सुबह जा सकते हो। अगर पैदल जा सकते हो ना वैसे ही होटल लेना त्रिची में, पास में मंदिर के पास में, अदरवाइज आपको पार्किंग के लिए इतना झंझट होगा ना वहाँ पे, हमने फेस करा आधा घंटा तो पार्किंग ही ढूंढते रह गए थे हम लोग। एंड मोक्ष को भी मैं सुलाऊंगी एंड मंदिर सुबह जाना, मंदिर दर्शन वगैरह आपको नेक्स्ट कल के ब्लॉग में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना यार, शेयर करो एंड अपने फैमिली के साथ शेयर करो।
मेरे व्लॉग्स, एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले। बाय।